कैसे हैं आप जी? ठीक ठाक। आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आज की शिरकत और आपका ये आज का प्रोग्राम कैसा गुजरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना तारफ ये ऐसे कराऊंगा कि मैं जो मौजूदा इंटरा पार्टी इलेक्शन जो बरतानिया में हुए हैं, मैं अपने दोस्तों अपने भाइयों की फुल सपोर्ट से बिला मुकाबला सदर मंत्री हुआ हूँ। ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है और मेरे लिए बहुत एजाज़ है कि आज हम दुबई में हैं और दुबई में जो सीसी का अजलास है जिसकी चेयर हमारे कायद प्रवीद मिशेल साहब ने की है और मरकजी सेक्रेटरी जनरल साहब डॉक्टर रमजी साहब भी यहाँ मौजूद थे, जिसमें पूरे बरतानिया से अमेरिका, कैनेडा, यूएई और ये जो पाकिस्तान से लोग आए हैं, जिसमें हमें मुलाकात करने का मौका मिला है। हम अपने नज़रियाती लोगों से मिले हैं और मिशेल साहब ने आज बड़ी अहम स्पीच की है और फ्यूचर के बारे में और यूनिटी के बारे में, और सबसे पहले पाकिस्तान का जो उन्होंने वो एक नज़रिया दिया है उसको हमने परवान चढ़ाना है और परवान से चढ़ सकते हैं कि हम जो 2018 के इलेक्शन में बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से जा रहे हैं उसके आगे हम मिशेल साहब ने आज बोला है कि तमाम लोग जलसे कराएं, तमाम रीजन में जलसे होंगे, पूरे पाकिस्तान में जलसे होंगे, मोबालाइज किया जाएगा, मुतर किया जाएगा कारकुनों को, लोगों को मुतर किया जाएगा। और पहला जलसा जो इसी दफ़ा मिशेल साहब ने जो पार्टी लॉन्च की थी यूके से किया था, तो इस दफ़ा भी हम वो जल्द एक ऐलान करेंगे जो बरतानिया में जलसा होगा, तो वो वहाँ से सियासत का आगाज़ होगा मिशेल साहब का। थैंक यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आपसे यही पूछना चाहूँगा कि आप कौन से शहर से और कौन सी कंट्री से दुबई में इस मीटिंग के लिए आए? जी मैं लंदन से आई हूँ और हम जो है सीईसी एपीएमएल की मीटिंग अटेंड करने दुबई में इस वक्त। तो क्या आपका डेजिग्नेशन है एपीएमएल यूके में? यूके में मैं 5 इयर्स जो है वो जब से पार्टी लॉन्च हुई थी तो मैं ग्रेटर लंदन वुमेन विंग्स की प्रेसिडेंट रही हूँ और उसके बाद 1 साल तक मैं एपीएमएल वुमेन विंग्स की यूके की प्रेसिडेंट रही हूँ और उसके बाद 1 साल जो है वो 2017 में चीफ ऑर्गेनाइजर वुमेन विंग्स यूके रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हुई, उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी है, 2018 के हवाले से हमारी बातचीत हुई है, सब ने अपने अपने सवाल जो भी सबके जहन में सवाल थे और चारों सूबों से लोग आए थे, यूके एंड यूरोप से सब लोग आए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें जो हमारे माइंड में क्वेश्चन थे 2018 के इलेक्शन के बारे में उन्होंने बड़ी क्लियरली जो है हमें वो एक्सप्लेन की। ये भी पूछना चाहूँगा कि जितने भी आपके जो ट्रैवल एक्सपेंसिव थे वो आपने खुद अफोर्ड किए हैं या कि आपको एपीएमएल पार्टी ने जो है ना वो प्रोवाइड किए? जी हम 3 दिन से यहाँ पे हैं दुबई में और सब अपने अपने खर्चे से आए हैं, उसमें पीएमएल का नहीं है अभी, क्योंकि वो तो बेसिकली हम जानते ही हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है, तो माशाल्लाह ओवरसीज़ के जितने भी हैं वो सब अपने खर्चे पे ही आए हैं। थैंक यू।